हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सबका सारा एजुकेशन में। आज की जो न्यूज़ है, जो वीडियो है, बहुत अच्छी है। दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, इतनी अच्छी न्यूज़ है। शिक्षा विभाग से रिलेटेड है और टीचर्स के लिए है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो टीचर्स के लिए है। शुरू से लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। और रिक्तियाँ जो है, अभी जो खाली पद हैं टीचर्स के लिए, बहुत सारे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। कहाँ कौन सी पोस्ट खाली है, किस किस अनुभाग में कितने लोगों की रिक्त पद हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देखी जाएगी। देखो, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, शिक्षा विभाग वैकेंसी 2024, राजस्थान शिक्षा विभाग में 1,25,000 पदों पर भर्ती की वैकेंसी वाइज डिटेल जारी की गई है। एक शिक्षा विभाग की तरफ से एक सर्वे चलाया गया है, उस सर्वे के अनुसार ये सारी की सारी जानकारी प्राप्त की गई है। कहाँ पे कितने रिक्त पद हैं और कब तक ये वैकेंसी जारी हो सकती है। एक वैकेंसी नहीं है, कई सारी वैकेंसी रहेंगी। उन वैकेंसियों के जरिए सारे के सारे रिक्त पद भरे जाएंगे। और सब लोग पूछ रहे थे कि मैम कहाँ गई हैं, मैम क्यों नहीं आ रही है। तो मैम की अभी जो तबीयत है, थोड़ा सा डाउन चल रही है। सब लोगों को, जो भी उनके पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबको पता होगा कि मैम अभी प्रेगनेंसी पीरियड में है और लास्ट टाइम चल रहा है उनका, लास्ट मंथ है। तो कभी भी खुशखबरी आ सकती है सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और दुआ करिएगा कि सब कुछ अच्छा हो ना। तो मैम जब भी आएंगी, बहुत अच्छे से एंट्री लेंगी, बहुत शानदार एंट्री होगी मैम की। जैसे आप लोग उनको प्यार करते हैं, वैसे वो लोग, वो भी आप लोगों को, सबको अच्छे से मानती हैं। तो बहुत जल्दी वो भी लौटेंगी। तब तक हम लोग वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट सूचना होगी, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जो ये शिक्षा विभाग वैकेंसी 2024 राजस्थान शिक्षा विभाग से रिलेटेड ये जानकारी है। राजस्थान के अंदर ही ये 1,25,000 पद हैं। मैं पूरा डिटेल वाइज आपको बताऊंगा भी सही। एक लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट के अंदर बताऊंगा आपको किस अनुभाग में, किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों के पद खाली है, शिक्षा शिक्षकों के लिए ही, अकेले शिक्षकों के लिए। तो देखो, सब नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। युवा अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों सहित विभिन्न पदों के 1,25,000 रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं अगर शिक्षकों के रिक्त पदों की बात की जाए, तो विभाग में करीबन 75,000 पद तो केवल शिक्षकों के लिए, मतलब जो पढ़ाने वाले लोग हैं, केवल उनके 75,000 पद खाली हैं। बाकी इसके अलावा शिक्षा विभाग में और भी लोगों की वैकेंसी होती है, और भी लोगों की नौकरी होती है, पियोन से लेकर और प्रिंसिपल तक कई और भी पद होते हैं, है ना। उनके अलावा केवल 75,000 पद तो पढ़ाने वाले लोगों की वैकेंसी खाली है। आगे चलते हैं। देखो, कुछ इस टाइप की लिस्ट जारी होगी। अभी ये तो खाली एक फोटो है, लेकिन मैं पूरी की पूरी लिस्ट जो जारी हुई है, वो पूरी पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, इसी वीडियो के अंतर्गत शेयर करूंगा। शुरू से लास्ट तक बने रहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस 10 मिनट के अंदर अंदर। आगे चलते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की 1 सितंबर 2024 को शाला दर्पण रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का जो नाम है, शाला दर्पण नाम है इस रिपोर्ट का, जिस रिपोर्ट के जरिए ये लिस्ट जारी हुई है, उसका नाम है शाला दर्पण। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,25,000 पद खाली हैं, और इन पदों के लिए, हाँ, बेरोजगार अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर ही रहे हैं, इसको लेकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। शिक्षा मंत्री जो है राजस्थान के, उनके द्वारा हाल ही में दावा किया गया है कि अगले 3 साल में एक भी पद खाली नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। मतलब हर साल ये 1,25,000 पद हैं, हर साल कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ देते रहेंगे, और ये 1,25,000 पदों को 3 साल के अंदर अंदर पूरा भरने का दावा भी किया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। अब इनके दावे कितने अच्छे होते हैं, कितने सच्चे होते हैं, ये इससे आप लोग वाकिफ ही हो, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के करीब 75,000 पद खाली हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, PTI, कंप्यूटर अनुदेशक। देखो, ये सब वैकेंसियों के नाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, PTI, कंप्यूटर अनुदेशक, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के पद हैं, और इन पदों के लिए शिक्षा विभाग ने
अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रिक्त पदों की सूचना जारी करी है। राजस्थान में अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, कंप्यूटर निदेशक, इन सब पदों के लिए भरते फार्म और इन सब पदों पे रिक्तियां खाली हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब कौन सी वैकेंसी निकल जाए। सरकार द्वारा इन पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए राजस्थान में करीब 70,000 पदों पर नई भर्तियों का वादा भी किया है। अब ये देखना होगा कि राजस्थान में किन पदों के लिए कितने पद के लिए भर्तियों की घोषणा की जाएगी और इन भर्तियों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। ये सभी डिटेल्स तो बाद में पता चलेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो सर्वे हुआ है साला दर्पण की तरफ से, उसमें इतने सारे पद खाली हैं और जब पद खाली हैं तो इनको भरने भी पड़ेंगे, किसी भी हाल में भरने पड़ेंगे। देखो, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शिक्षकों के 125,000 रिक्त पदों के बारे में संपूर्ण डिटेल्स पर पद वाइज नीचे बताया गया है। अब यहाँ पर आपको पद भी बताया जाएगा, किस पद पे कितने सीट हैं वो भी बताई जाएगी। अब जो आएगी वो पूरी डिटेल्स आएगी, है ना। अब इसमें देखते जाइए, यहाँ से देखते जाना। प्रिंसिपल में लगभग 7,384 पद हैं, ये पूरे राजस्थान से बात हो रही है, पूरे राजस्थान के लिए है, है ना। और वाइस प्रिंसिपल के लिए 7,526 हैं। व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए 17,285 पद हैं। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के लिए 25,502 पद खाली हैं। अध्यापक थर्ड ग्रेड के लिए 23,555 पद हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, इसको पीटीआई भी बोलते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए 1,955 पद हैं। और शारीरिक शिक्षक पीटीआई थर्ड ग्रेड के लिए 893 पद हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 358 है। कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 3,539 पद हैं और पूर्व प्राथमिक शिक्षक के लिए 1,728 पद हैं। लेकिन अभी इसके बाद भी एक और लिस्ट पूरी की पूरी है, इससे भी ज़्यादा चीज़ों की जानकारी उस लिस्ट में मिलेगी आपको, तो बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, ये जितनी भी वैकेंसियों की डिटेल आती है मैं जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करता हूँ। इसकी ये जो शाला दर्पण की रिपोर्ट है ये भी बहुत जल्दी में आई है, अभी कुछ ही दिनों में आई है, तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो 100% करेंगे ताकि आपके काम ना आए तो किसी और के काम ये वीडियो जरूर आ जाए। और आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन दबा लेना ताकि और जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो वैकेंसियों की लिस्ट है आपकी, ये आप टेलीग्राम चैनल है एक, उस पर पूरी की पूरी जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और जितनी भी चीज़ों की वैकेंसी आती है मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, शेयर करता हूँ। अब जैसे किसी का नोटिफिकेशन फॉर्म भी आता है ना, किसी की नोटिफिकेशन पूरी डिटेल भी आती है, तो ये PDF है, ये तो वीडियो के अंदर अपलोड कर नहीं पाऊँगा, ये इसलिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से आप वो चीज़ देख लिया करो। बहुत सारी वैकेंसीज होती है, रेलवे से लेकर शिक्षकों के से लेकर और भी कई सेक्टर में वैकेंसी होती है, सबके बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको लोगों को बताने की कोशिश करी जाती है इस चैनल के माध्यम से, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता लग जाएगी। अब देखो, यहाँ तक तो हमने पद देख लिए थे, अब इस प्रकार राजस्थान में सभी शिक्षकों के लगभग 75,000 पद रिक्त हैं, केवल शिक्षकों की बात करी जा रही है ना। और इन रिक्त पदों के अनुसार राजस्थान सरकार अब कितने पदों के लिए भर्ती की घोषणा करती है, इसके अलावा अन्य पदों की रिक्तकी की रिपोर्ट नीचे देखनी है अब आपको। अब देखो, यहाँ पे देखना, ये पूरी टेबल है, यहाँ पे जो है सारे के सारे रिक्त पद बताए गए हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अगर पूरा का पूरा दिख जाए। देखो, ये जो रिपोर्ट का नाम है आपका, मैंने बताया था आपको, साला दर्पण रिपोर्ट है। ये जो लिस्ट जारी हुई है 1 सितंबर को जारी हो गई थी, है ना, 1 सितंबर 2024 को जारी हुई थी। अब यहाँ पे पद के नाम दे रखे हैं, स्वीकृति दे रखी है, कार्यरत दे रखे हैं और कितने पद रिक्त हैं ये दे रखा है। तो देखो, संयुक्त निदेशक में 14 पद होने चाहिए टोटल के टोटल, जिसमें से केवल 4 लोग कार्यरत हैं और 10 लोग यहाँ पे अभी बाकी हैं जिनको रिक्तियां, मतलब जिनको वैकेंसी देनी है।
उप निदेशक के लिए 21 स्वीकृति है, 9 कार्यरत हैं और 12 लोगों की रिक्त पद हैं यहाँ पे। अब ऐसे आप जिला शिक्षा अधिकारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप एक एक चीज की अच्छे से डिटेल देख लेंगे, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी में 24 पद खाली है यहाँ पे, प्राचार्य और समकक्ष प्राचार्य के आसपास के जो भी लोग होते हैं उसमें 7384 पद खाली हैं, उप प्राचार्य के समकक्ष 7526 पद खाली हैं, उप जिला शिक्षा अधिकारी में शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जो होते हैं पीटीआई उनके लिए 21 पद खाली हैं, अध्यापक स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय से रिलेटेड हैं 17285 पद स्कूल अध्यापक के लिए खाली हैं, कोच और समकक्ष से रिलेटेड हो गया तो 13 पद खाली हैं, और अध्यापक शारीरिक शिक्षा के हो गए तो 31 पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापक का देखा जाए तो 25502 पद खाली हैं। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं शिक्षक के साथ साथ आपके अन्य लोग भी आ गए यहाँ पे, है ना, बाकी शिक्षकों की हमने एक लिस्ट ऊपर देखी थी उसमें सारे के सारे शिक्षक शिक्षक ही थे। अब इस तरीके से आप लोग देखते जाइएगा, ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी की सारी आपकी भर्तियां जो भी है सब चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब इसमें बेसिक कंप्यूटर वालों की, वरिष्ठ कंप्यूटर वालों की, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक, है ना, और कर्मचारी, जमादार, प्रयोगशाला परिचारक, सब लोगों की मिला के आपको यहाँ पे बताया गया है कि कितने पद इन लोगों के लिए खाली होते हैं और कितने लोग यहाँ पे कार्यरत हैं और कितने रिक्त पद अभी खाली हैं। ये तीन चीज़ों की डिटेल है। तो टोटल यहाँ पे 125,080 इतने पद अभी खाली है, रिक्त पद हैं टोटल के टोटल मिला के, ठीक। तो ये पूरी की पूरी डिटेल थी, ये सारणी जो आई थी अभी नई नई सर्वे हुआ है इसमें पूरा का पूरा पता लगा है कितने रिक्त पद हैं। केवल शिक्षा विभाग की बात हो रही है और कोई विभाग नहीं है इसके अंदर, कि रेलवे का आ गया या एयरफोर्स का आ गया, ऐसा कोई सा विभाग नहीं, केवल शिक्षा विभाग का बात हो रहा है और पूरे राजस्थान में अभी लगभग इतने पद खाली हैं। अब इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं जल्द से जल्द जितनी अच्छी अच्छी वीडियो हो सकती है, जितनी अच्छी अच्छी जानकारी हो सकती है आप लोगों को लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, अगर आपके काम की नहीं होगी तो किसी और के काम जरूर आएगी। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।